आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.3। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनका अभी पता कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होगी वो चीजें। तो बच्चे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स। आपने हर एक पेयर ऑफ सेट की तरफ देखना है टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। तो आपने सेपरेट करना है डिसजॉइंट को और ओवरलैपिंग को। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट क्या होता है और ओवरलैपिंग क्या होता है। तो पहले हम ये देखते हैं, देन हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी। तो बच्चे डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग की बात हो रही थी, डिसजॉइंट ठीक हो गया जी। अब डिसजॉइंट आपके पास क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने सेट्स को करना है डिसजॉइंट। तो हम चेक करेंगे जी। तो बच्चे डिसजॉइंट, अब आप देखिए जॉइंट का मतलब क्या होता है। जॉइंट का मतलब होता है कॉमन, जैसे आप देखें मतलब दो चीजों का कॉमन पॉइंट, आप उसी को बोलते हैं ना जॉइंट। तो डिसजॉइंट क्या हुआ, कॉमन नहीं। इसका मतलब अगर जैसे मैंने भी आपको बताया है तो मैं आपसे पूछूं कि कॉमन नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई भी पॉइंट या कोई भी एलिमेंट, सेट के अंदर क्या होते हैं एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेट जिसका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जॉइंट का मतलब कॉमन पॉइंट, तो डिसजॉइंट का मतलब जो कि कॉमन नहीं है। तो सेट के अंदर क्या मौजूद होते हैं आपके पास एलिमेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेट जिसका कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। लेट्स सपोज उसका मतलब हम यहाँ पे देखते हैं दो एग्जांपल्स लेके। ए इज इक्वल टू आपके पास है 1, 2, 3, 4। उसके बाद बी इज इक्वल टू आपके पास है 6, 7, 8। तो मतलब डिसजॉइंट ऑफ सेट्स आपके पास क्या चीज है कि ऐसे सेट्स जिनका कोई भी आपके पास कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आप देखें ये दो आपके पास सेट है, इसका मतलब हमें कॉमन किस चीज से पता चलता है, मतलब इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूं ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास क्या आएगा, कोई कॉमन है इसमें, मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई या फिर आप एम्प्टी सेट। अंडरस्टैंड, आपने ये कंडीशन बच्चों याद रखनी है कि ऐसे दो सेट्स जिनका कोई भी आपके पास कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, मतलब के उनका इंटरसेक्शन हमेशा आपके पास एम्प्टी सेट आए या फिर फाई आए। अंडरस्टैंड बच्चों, इंटरसेक्शन उसका क्या आए आपके पास, एम्प्टी सेट या फिर फाई। तो ये आपने देख लिया, ये है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स कि डिसजॉइंट क्या होता है। अब सेकंड थिंग आपके पास क्या थी, ओवरलैपिंग, अब हम वो पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स जी, तो ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स क्या चीज है। ओवरलैप का मतलब है कि ओवरलैप होना, मिलना, अगर हम वैसे इसका मतलब देखें। लेकिन सेट्स के अंदर मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो कि कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास दो सेट जिनके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट, एट लीस्ट वन एलिमेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन है। तो मतलब इसका इंटरसेक्शन आपके पास फाई या एम्प्टी सेट के बराबर नहीं आएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां मैं लिखती हूं ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 2, 5, 7, 8 जी बच्चे। तो अब मुझे आप बताएं कि इसके अंदर एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है ना, और वो कौन सा है, 2 यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो हमने अगर डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग को चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, थ्रू इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। मतलब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे जो आपके पास सेट गिवन होगा उसका। तो इंटरसेक्शन से हम कॉमन पॉइंट देखते हैं, तो इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में सेम है आपके पास 2। तो मतलब इसका कि आपके पास जो ओवरलैपिंग सेट्स की होगी उसका आंसर कभी भी
एम्प्टी सेट नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, उसका आंसर कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। अगर एम्प्टी आ जाए तो वो क्या होगा? डिसजॉइंट सेट्स। अंडरस्टैंड बच्चे, वो क्या होगा? डिसजॉइंट, कि कोई उनका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपस में मिल रहा है। ओवरलैपिंग का क्या है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट मिलता हो। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा और भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लूं कि यहाँ पे मैं इसी के अंदर अगर चेंजिंग करके देखूं, ये जो मैंने सेट लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और उसके बाद बी इज इक्वल टू आपने क्या कहा जी 2 3 5 7। तो देखे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि आपके पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो के इन दोनों सेट्स को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मतलब एक ना एक जरूर ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो के दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, तो तब हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग ऑफ सेट की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है वो क्या है? डिसजॉइंट ऑफ सेट। अंडरस्टैंड बेटा, ये दो बातें थी जो आपने पहले क्वेश्चन में आपको जरूरत थी। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपने बताना है कि जो नीचे पेयर्स दिए गए हैं वो डिसजॉइंट, उनमें कौन से सेट्स हैं और ओवरलैपिंग किन सेट्स की हो रही है। तो बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1। जी, अब पार्ट नंबर 1 क्या है? दो उसने सेट दिए हैं, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, देन बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी एच। जी तो बेटा, ये उसने आपको यहाँ पे दो सेट्स दिए हैं, तो आपने अब ये बताना है कि ये जो दो सेट है इनके दरमियान में कौन सा रिलेशन है। डिसजॉइंट का रिलेशन आ रहा है कि ओवरलैपिंग का आ रहा है? ठीक हो गया। अब जल्दी से मुझे देख के बताएं कि कौन सा रिलेशन आ रहा है, फिर मैं उससे आपको रेलिवेंट करके यहाँ पे लिख दूं। ए और बी, जी ए प्रेजेंट है? नहीं है। हमने क्या लेना है? इनका इंटरसेक्शन, तो ही हमें पता चलेगा ना, चेक करेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, कॉमन पॉइंट चेक करने के लिए। कॉमन मतलब कोई भी चीज सेम है या नहीं। तो इंटरसेक्शन लिया तो ए है, नहीं है। उसके बाद बी है, बी भी नहीं है। सी है, सी भी नहीं है। डी है, बिल्कुल है। तो मतलब एक आ गया तो डिसजॉइंट की कंडीशन तो यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद ई है, बिल्कुल है। तो मतलब ये जो ए और बी है इनके दरमियान में आपके पास कौन सी कंडीशन लगी, ये कौन से सेट्स हैं? ओवरलैपिंग। कौन से सेट्स हैं? ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए एंड बी आर ओवरलैप। ओके हो गया बेटा। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से अगर हम चलें इसके पार्ट 2 की तरफ, वहां पे भी आपको दो सेट्स दिए गए हैं एल और एम। इसी तरह से आपने वहां पे बता देना देख के कि कौन सा यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन लग रही है, कौन सा वाला ऑपरेशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, डिसजॉइंट का या ओवरलैपिंग का। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है? पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था। अभी आप मुझे जल्दी से यहाँ पे इसके सेट्स लिखवा दें। जी, प्राइम नंबर जिसको मैं कैपिटल P कह सकती हूँ, अब इसके अंदर कौन से नंबर्स आएंगे आप मुझे वो जल्दी से बताएं, ताकि फिर हम इसे कंटिन्यू करें। मतलब स्टार्ट कहां से होंगे? 2 3 5 7 एंड सो ऑन। मतलब उसने यहाँ पे कोई भी आपको लास्ट नंबर नहीं बताया, सिर्फ सेट ऑफ प्राइम नंबर का है। सेकंड क्या है आपके पास? सी इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो के प्राइम नंबर के अलावा होते हैं, लेकिन वन उसमें भी नहीं आता। तो कहां से स्टार्ट होंगे कंपोजिट नंबर्स? 4 से 4, देन 5 तो यहाँ पे हो गया, मतलब 6 7 भी हो गया, तो क्या आएगा? 8 9 तो आपके पास प्राइम नंबर में आ गया। 9 प्राइम नंबर में आता है? 9 प्राइम नंबर में आता है कि नहीं आता? 1 पे भी जाता है, 9 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है। तो मतलब 9 तो आपके पास प्राइम नंबर पे नहीं आएगा, तो 9 इसमें आएगा, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो अभी आप मुझे जल्दी से बता दें कि इस पे कौन सी कंडीशन जो है वो लग रही है, डिसजॉइंट की लग रही है या फिर ओवरलैपिंग की लग रही है? कोई इनमें कॉमन एलिमेंट है? जबकि हमने बात ही की है कि प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आएगा। तो
तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन सी आपके पास एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर फाई जो भी आप कहें। तो ये क्या हुआ, पी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक हो गया। जैसे हमने ऊपर लिखा था ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, और यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे पी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक हो गया बच्चे। तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपने एज इट इज इसी तरह से इवन नंबर और ऑड नंबर को देखे करना है, जबकि आपको अभी पता चल गया है कि इवन और ऑड जो है वो सेम नहीं होते, क्योंकि इवन नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर ऑड होते हैं। तो ये भी कौन सा सेट हुआ, डिसजॉइंट का जी। तो इसी तरह हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर वन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन 10, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बी इज इक्वल टू आगे एक और सेट है सी भी है डी भी है, आपने फाइंड क्या करना है, ए के ऊपर छोटी सी लाइन है। अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या चीज है, क्योंकि हमने इससे पहले इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कि आपके पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जो आपके पास ऊपर चीज लिखी हुई है ये क्या है, ठीक है बेटा। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आपने U में से माइनस करना है A को। अब ये U क्या चीज है वो भी हमें नहीं पता, माइनस तो हमें पता चल गया, इसका मतलब है U क्या चीज है। अब इस U को पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि U क्या है आपके पास। तो बच्चे U है आपके पास यूनिवर्सल सेट, क्या है U आपके पास, यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स तो मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, यूनिवर्स का मतलब क्या, पूरी सब पूरी कायनात मतलब सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसके नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा वाला सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, सबसे बड़ा सेट, ठीक हो गया। इसका मतलब कि इसको आप डिनोट किससे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कहा कि यू माइनस है, तो मतलब आप इसको डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड विद कैपिटल यू, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू। अब मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, तमाम नंबर्स। अब मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो बच्चों आपने काउंटिंग नंबर्स, अब काउंटिंग के अंदर कितने नंबर्स आते हैं इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, मतलब हम जितने मर्जी नंबर काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो यू बनेगा वो क्या होगा, वो आपके पास 1, 2, 3, 4 और सो ऑन जहां तक नंबर जा सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास कौन सा सेट हुआ, जो सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर तमाम सेट आ सकते हैं, ठीक है, मतलब काउंटिंग अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो बड़ा सेट है जिसके अंदर तमाम नंबर्स आ सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब हमने एक ये डैश देखी जिसकी वजह से हमने यू माइनस ए लिखा। अब U माइनस ए हमने क्यों लिखा, इस डैश का क्या मतलब है, अब हम वो देखते हैं। इस डैश को हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोटेड विद ए के ऊपर आप डैश भी डाल सकते हैं, जिसको आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, या आप ए के ऊपर सी भी डाल सकते हैं, जिसका इन दोनों का मतलब एक ही चीज है और वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपको डिनोट तो बता दिया कैसे करते हैं, लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है इसको जानने की जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो आपका गिवन सेट है जिसके ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट आपको नजर आ रहा है, उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो आप इसको यहां पे क्या कहेंगे, आप इसको कह सकते हैं कि
कंसीडर आप करेंगे कि एक सेट बी है जिसको आपने माइनस करना है, माइनस मतलब आपने डिफरेंस लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने यहाँ पे एक सेट ले लिया जी, आपने क्या करना है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट, अभी मैंने बोला है कि 100 जितने भी नंबर्स है, लेकिन मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि यू जो है वो क्या है 1, 2, 3, 4 सो ऑन 10 तक, ठीक हो गया। और जो बी है आपके पास, वो आपके पास क्या है, बी आपके पास एक है 2, 4, 6, 8, ठीक हो गया बच्चों। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि आपने u/b करना है या फिर u-b करना है, ठीक हो गया बच्चों। कल हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आज हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा था कि यहाँ पे भी एक आपके पास सेट था, यहाँ पे भी सेट था, तो उसको आपने उसमें से माइनस करना था। वो आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है कि सिर्फ आप यू में से ही गिवन सेट माइनस करेंगे, अंडरस्टैंड बेटा। यहाँ पे आपको एक ही सेट गिवन होगा जो कि यू होगा, सॉरी जो कि यहाँ पे बी होगा, तो आपने उस सेट को यू में से ही माइनस करना होगा, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने हमेशा याद रखना है, कहीं पे भी आपको ये डैश या सी नजर आए तो उसका मतलब हमेशा यही होगा कि आपने इस गिवन सेट को यू में से माइनस करना है। तो माइनस का तरीका तो आपको पता है, अभी हम इसको यहाँ पे माइनस करके देखते हैं ताकि आपको मजीद जो है वो याद आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, इसका मतलब है कि हमने यू माइनस बी करना है, ठीक हो गया बच्चों। हमने क्या करना है, यू माइनस बी। तो यहाँ पे हमने लिखा यू वाला सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक हो गया। अब हमने माइनस करना है किसको, बी को। बी के सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6 एंड 8। माइनस का मतलब क्या है, जो इसमें बचेगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले बचेगा कैसे, जो कि दोनों में सेम होगा आप उसे काट सकते हैं। कैसे, 1 है नहीं है, 2 इधर भी था कट गया, 3 नहीं है, 4 इधर भी था कट गया, 6 इधर भी था कट गया, 8 इधर भी था कट गया। मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें थे तो हमने काट दिए। अब इसमें जो बचेंगे, मतलब जो यू में बचेंगे, जैसे हमने कल पढ़ा, जो यू में बचेंगे, माइनस का मतलब है जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट्स रह जाते हैं आपने वो लिखने। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया है, इसका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है आपके पास, अगर आप देखें तो आपके पास क्या आंसर आया है, 1, 3, 5, 7, 9 और 10। तो मतलब बच्चे बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये आंसर लेके आए, अंडरस्टैंड। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी सेट है जिस पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो आपने उसको यू में से माइनस करना है, ठीक हो गया। और यू क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर तमाम काउंटिंग नंबर्स आते हैं, ठीक हो गया। और जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा उसके साथ जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा उसके साथ आपको यू का सेट भी हमेशा गिवन होगा, अंडरस्टैंड बच्चों। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपके पास, कि आपने आपके पास सेट दिए गए हैं यू ए बी सी डी। यू है जो कि यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी डी आपको 4 सेट मजीद दिए गए हैं। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। अभी अगर हम जो पार्ट करेंगे हम उसी का सेट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट जो कि पहले मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, यू माइनस ए। तो आपको कौन कौन से 2 सेट चाहिए, यू भी चाहिए और ए भी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे यू भी गिवन है ए भी। अब यू आपके पास क्या है, यू है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 तक है आपके पास। ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो और आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है यू माइनस ए। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के, वो आपको पता है। आपने क्या किया, यहाँ पे यू वाला सेट लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। माइनस करना है किसको, ए वाले सेट को 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब माइनस का मतलब क्या है आपके पास,
कि आपके पास जो यू में बचेगा आपने वो लिखना है सेम एज इट इज जो मैंने आपको यहाँ पे अभी एग्जाम्पल दी है। तो अब देखें, वन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कट गया। टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। थ्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फोर भी है, वो भी कट गया। फाइव भी था, वो भी कट गया। तो मतलब बेटा आपके पास पांच जो वहां पे एलिमेंट्स मौजूद थे वो जो यहाँ पे थे हमने उसको काट दिया। अब बाकी क्या बचे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में? आपके पास बचा है 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो मतलब आपके पास ये वाले पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बचे हैं। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट का? 6, 7, 8, 9, 10, जो कि यू में बच गया। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपके पास था ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आपने क्या करना है, बी सी डी को भी सेम एज इट इज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, वो भी सेम आपके पास यही चीज है कि यू का आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, एक्स का सेट दिया है, वाई का दिया है, जेड का दिया। आपने फाइंड क्या करना है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, यू डैश, या इसको आप एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट या यू कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेटा हम इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर थ्री का हम पार्ट नंबर कर लेते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं। क्या है? वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, वाई कॉम्प्लीमेंट का आपके पास मतलब है यू माइनस वाई। कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा आपने याद रखना है यूनिवर्सल सेट में से उस गिवन सेट को माइनस करना है। ठीक हो गया? तो अब इसके लिए आपको कौन कौन सेट चाहिए? दो सेट चाहिए, यू और वाई। उन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यू क्या है? ए बी सी आय तक है, मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स हैं आय तक। कहां तक? आय तक। उसके बाद दूसरा आपको सेट कौन सा चाहिए यहाँ पे? वाई का। तो वाई का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। आपने लिखा वाई इज इक्वल टू ए ई और आय। ठीक हो गया? ये आपने देखा, ये दो सेट है। अब आपने क्या फाइंड करना है? आपने वाई माइनस यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y कॉम्प्लीमेंट बराबर है u की वैल्यू क्या है, पूरा सेट a b c d e f g h एंड i, क्योंकि i तक था हमने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है जो कि आपने यहाँ पे लिखा। दूसरा सेट क्या है y का, a e i। ठीक हो गया बच्चों? a e i भी हमने लिख लिया। अब हमने लिखना क्या आंसर में, जो के पहले वाले सेट में बचेगा। और पहला वाला सेट कौन सा है, यू यानी के यूनिवर्सल सेट। तो वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया, ए था कट गया, ये भी कट गया, बी नहीं कट सकता, सी नहीं, डी भी नहीं, ई भी कट गया, उसके बाद आई भी कट गया। अब आपने देखा कि फर्स्ट में आपके पास क्या क्या बचा है, बी सी डी एफ जी एच। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास क्या है, y कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक हो गया बच्चे? इसी के साथ आपने इसका पार्ट नंबर वन मतलब x कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट, u कॉम्प्लीमेंट। अब u कॉम्प्लीमेंट आपके पास एक पार्ट है, इसका मतलब क्या है u कॉम्प्लीमेंट का, हम वो वाला पार्ट करके देखते हैं। इसी का मतलब u आपके पास यहाँ पे रहेगा। तो हमने देखा पार्ट नंबर फोर है आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब यही है ना कि आपने जो गिवन सेट है उसको यू में से माइनस करना है। यू कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस यू। यहाँ पे कोई भी आपके पास सेट आ जाए उस पर कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब आपका वही है कि आपने उसको यू में से माइनस करना है। ठीक हो गया? चाहे यहाँ पे यू कॉम्प्लीमेंट आ जाए, मतलब आपने यू में से यू को माइनस करना है। तो यू सेट आपके पास ये है, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। पहला सेट भी यू है, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, ये जो ये वाला यू है बेटा वो इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से आया आपके पास, और जो ये वाला यू है वो जो ये नीचे सेट लिखा हुआ है यू, उसकी वजह से आया। तो हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक हो गया? माइनस आपने इसी में से करना है, तो आपने माइनस करना है ए बी सी, आगे फिर D E F G H एंड I। तो ये आपने इसमें से माइनस करना है। अब देखें, A था कट गया, B भी सेम था कट गया, C भी था वो भी कट गया, D भी था वो भी कट गया, E था वो भी कट गया, F था वो भी कट गया, G भी कट गया, H भी कट गया और I भी कट गया। मतलब जैसे आपके पास 2 रुपीज है और उसमें से आपने 2 रुपए ही खा लिए, तो आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं।
तो इसी तरह से यू में से यू को माइनस किया तो पहले सेट में आपके पास कुछ बचा, दूसरे को तो आपने देखना ही नहीं है, पहले में कुछ बचा, कुछ भी नहीं, तो मतलब आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, एम्प्टी सेट। क्या आया है? एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, या इसकी जगह आप यहाँ पे फाइव भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री। इसी के साथ बच्चे हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। अगर बच्चे कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।